कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आप लोग सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप में से कई लोग हैं जो अभी से सीयूटी को करेक्ट करना चाहते हैं, यानी अभी से सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए रामबाण वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग रणनीति के बारे में बात करेंगे और कंटेंट के बारे में बात करेंगे, कैसे आपको क्या पढ़ना है, कि जो बचे हुए 75 दिन है इसमें आप लोग सीयूटी को करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीयूटी की पल पल की अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल के स्क्रीन पर पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला जो घंटी है उसको जाकर ऑल में प्रेस कर लीजिए। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि इंफॉर्मेशन वाला वीडियो है, जरूर एक कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 75 दिनों में जो है सीयूटी को कैसे करेक्ट करना, सबसे बड़ी बात है ये, हम बात कर रहे हैं सीयूटी मिशन 2023 के बारे में, खासकर यूजी कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में। यूजी में बीए आ जाता है, आप लोग बीएलएलबी की तैयारी कर रहे होंगे, बीएससी एजी मैथ बायो की तैयारी कर रहे होंगे, बीकॉम की तैयारी कर रहे होंगे, बीबीए की तैयारी कर रहे होंगे, विभोग कोर्स की तैयारी कर रहे होंगे इत्यादि, यानी यूजी में शामिल जितने भी कोर्स है इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, कि आप लोग को बचे हुए 75 दिनों में कैसे तैयारी करना है ताकि आप जीरो से हीरो बन जाए, यानी कि सीयूटी करेक्ट करें। और आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, घबराना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट का अभी बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, अभी तो जैसे कि वेस्ट बंगाल बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ये सब शुरू होने वाला, यूपी बोर्ड अभी हाल ही में खत्म हुआ, बिहार बोर्ड भी खत्म हुआ, तो आप सभी के लिए ही हम लोग लगातार जो है तैयारी करवा रहे हैं। तो इसीलिए जो सीयूटी का एक्सपेक्टेड डेट आया है वो आपको पता होगा, 31 मई से 31 मई के बीच, ये मई में जो है आपका सीयूटी का एग्जाम होना है, ये संभावित तिथि है। हालांकि इसका रिजर्व डेट भी आ चुका है 1 से 10 जून के बीच, तो आपको ये जान लेना जरूरी है कि आपको इस डेट में आपका एग्जाम होगा। अभी से 75 दिन बचे हुए, तो इसमें सोलिड रणनीति होनी चाहिए, कड़ी मेहनत होनी चाहिए, पढ़ाई कम से कम जो है अब गति में होनी चाहिए, क्योंकि 75 दिन में मान लीजिए 5 आवर भी प्रतिदिन पढ़े तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, कोई जरूरी नहीं। सीयूटी के लिए, सीयूटी करेक्ट करने के लिए अगर हमसे पूछा जाए तो ओवर और अगर आप 300 से 400 घंटा के बीच दे रहे हैं तो इतने घंटे में आपका सीयूटी करेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि सीयूटी का जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो आपने अभी अभी पढ़ के आया है 12th में, उसका बहुत ज़्यादा अहम भूमिका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ चीज़ें मैं बता दिया। अब आगे देखिए, आपको दौड़ना शुरू करना है, ये दौड़ना शुरू करना है, ठीक है, आप आज से ही दौड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका जो मंजिल है, आपका जो ड्रीम है वो है जेएनयू में पढ़ने का, बीएचयू में पढ़ने का, डीयू में पढ़ने का, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने का। और सीयूटी का फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है 12 मार्च है, तो जो लोग नहीं भरे हैं जाके फटाफट भर दीजिए। देखिए, आपको दौड़ना शुरू करना है किसके लिए, सीयूटी करेक्ट करने के लिए, और आप विनर बन सकते हैं, आसान है विनर बनना। इसी करी को देखते हुए सीयूटी कॉन्सेप्ट एक मिशन 30 दिनों का बैच भी लाया है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जीरो लेवल से हम लोग पढ़ाएंगे और आपको हीरो तक बनाएंगे, यानी सीयूटी करेक्ट करने लायक तक बनाएंगे। डाउनलोड कर लीजिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर पर जाके। तो ये जो हम एक चीज समझाना चाह रहे हैं इस फिगर के माध्यम से, कि इस पर मतलब अब तेजी से दौड़िए, तेजी से दौड़िए, जबरदस्त पढ़ाई कीजिए, आपका 12th का बोर्ड का भी प्रेशर खत्म हो गया, अगर एग्जाम हो गया है तो जो भी समय बचा होगा उस समय में एकदम जी जान लगा दीजिए, सीयूटी करेक्ट करना आसान है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, हमारे कोर्स में जो है कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेगा, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कि 75 दिनों में सीयूटी को करेक्ट करना क्यों आसान है, क्यों आसान है। सबसे पहले, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी जो सिलेबस है, उसकी जो पैटर्न है, उस पर आपको पूरा डिटेल जानकारी होना जरूरी है, इन कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर सिलेबस एंड पैटर्न। तो सीयूटी का जो सिलेबस है उसका पैटर्न है पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे, जैसा कि आप सभी लोग देखे होंगे, सेक्शन ए में लैंग्वेज है, सेक्शन बी में डोमेन है, सेक्शन सी में जनरल टेस्ट है, टोटल आप 10 पेपर दे सकते हैं, 10 पेपर कितने टाइम के होंगे ये भी आपको पता ही है, 2022 के अनुसार कितने नंबर के होंगे ये भी पता है, मैंने इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है, आप लोग जाके देख सकते हो, सीयूटी कंप्लीट डिटेल वीडियो बाय सीयूटी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा यूट्यूब पर। यानी सिलेबस और पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, और हम लोग इस पर लगातार वर्क
देते हैं, सीयूटी ने अपना सिलेबस और पैटर्न जारी किया। लेकिन जो सीयूटी कॉन्सेप्ट है उन्होंने हम लोग जितने भी पेड कोर्स में जुड़े हुए बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल बना के दिया। तो आप लोग भी जहां भी पढ़ते हैं वहां से जो है सीयूटी का जो सिलेबस पैटर्न है उस पर डिटेल जानकारी प्राप्त कर लीजिए। टारगेट यूनिवर्सिटी, जिससे बहुत सारा यूनिवर्सिटी है सीयूटी में शामिल, तो ये सोचिए कि आपको किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। हो सकता है बीएचयू में पढ़ना, तो टॉप क्लास का 4-5 यूनिवर्सिटी को चुनिए। बहुत लोग हैं कि मतलब मेहनत करना पड़ेगा आपको। देखिए टॉप क्लास का यूनिवर्सिटी को टारगेट कीजिए और उस कोर्स को, जिससे कि मान लीजिए आपको बीए की तैयारी करना है, कहाँ से, बीएचयू से, बीएचयू से बीए करना, तो आप क्या ले लेंगे, जनरल टेस्ट ले लेंगे और प्लस लैंग्वेज ले लेंगे। लैंग्वेज हिंदी, हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, है कि नहीं। अब उसी प्रकार डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का सेम पैटर्न है, यही है, जैसा कि आप जानते हैं। अगर आप इलाहाबाद को भी टारगेट करना है दो को डोमेन लेना पड़ेगा। अगर आप ड्यू को टारगेट कर रहे हैं लेकिन ट्वेल्थ में आपका आर्ट्स रहा है तो जो आर्ट्स में 3 पेपर पढ़े हैं वही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्वेल्थ में पढ़ चुके हैं। अगर पीसीएम रहा है तो पीसीएम लेना पड़ेगा ड्यू के लिए 3 को डोमेन। तो ऐसे जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे बीबीएयू यूनिवर्सिटी है, सिक्किम यूनिवर्सिटी है, गुरु हासी दास यूनिवर्सिटी है और हेमवती नंदन यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी सीयूटी में शामिल है। जिसको आप टारगेट करना है समझ लीजिए कौन यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, उसका किस कोर्स में टारगेट करना है ये जान लेना जरूरी है। पहले सिलेबस पैटर्न ये एकदम एक पेज ले लीजिए, उस पर लिख लीजिए कि आपको टारगेट क्या है, कौन कौन यूनिवर्सिटी है, कौन कौन यूनिवर्सिटी का कोर्स है, पूरा डिटेल में। उसके बाद सीयूटी 2022 का आपके पास पीवाईक्यू होगा ही, नहीं होगा तो जैसे कि मान लीजिए आप सीयूटी कोर्स में जुड़े हैं तो जो लेक्चर हम लोग देते हैं उसमें लगातार पीआईक्यू के बारे में बताते रहते हैं। रात 9 बजे अभी हम रात में क्लास लेते हैं, रात 9 बजे लाइव क्लास लेते हैं, यूट्यूब पे फ्री कर चलता है, तो इस क्लास में भी जुड़ सकते हैं। पीआईक्यू को देख लेना जरूरी है, आप कहीं भी जुड़े हैं तो लोग एटलीस्ट तैयारी करवा रहे हैं, तो घबराना नहीं है। अपने से अगर कर रहे हैं तो आप फ्री कंटेंट बहुत सारा यूट्यूब पे है वो भी कर सकते हैं, अभी से भी हमारे कोर्स में जुड़ सकते हैं। अब देखिए ये सब जान लेने के बाद अब आपके सामने जो होगा, बेस्ट रणनीति बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। स्टूडेंट को तो टाइम टेबल बनाना ही चाहिए, रणनीति कि हमको आगे कैसे क्या करना है पूरी तरीके से अब समझ लिए। अब आपको टाइम टेबल भी बनाना है कि अभी खेलना नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, अभी सिर्फ पढ़ लेना है 2 महीना 75 दिन जो बचा होगा, बाकी सीयूटी को करेक्ट करके क्रिकेट खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, जो भी खेलना होगा। तो जो है आपको टाइम टेबल बनाना होगा, और टाइम टेबल आप कहेंगे सर आप बना के दे दीजिए, आपका टाइम टेबल मैं बनाऊंगा, हमको क्या पता है कि आप कब बतियाते हो, है कि नहीं। तो इसीलिए जो है टाइम टेबल खुद से बनाना होगा, एकदम बढ़िया से टाइम टेबल बनाइए, रणनीति बनाइए, और ये सब अपने से क्रिएट करेंगे ना तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत सारा चीज़ है कि ये ज़्यादा जरूरी है सीयूटी के लिए कि पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, डिमांड क्या मानते हैं। मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत सारे यूट्यूबर हैं सीयूटी के लिए जो मन आ रहा है पढ़ा रहे हैं, पता भी नहीं है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, नहीं है कुछ भी नहीं पता है, बस सीयूटी के लिए पढ़ा रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है। क्या सवाल आया था 2022 में वो भी लगता नहीं है कि देखे होंगे, सवाल का लेवल ऐसा लगता ही नहीं सीयूटी वाला। तो आपको एक परफेक्ट स्टडी मटेरियल को चुनना पड़ेगा, जिससे सीयूटी कॉन्सेप्ट 3 वर्षों से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, कई टॉपर्स दिए हैं, अगला नंबर आप सबका ही है। तो ऐसे स्टडी मटेरियल को चुनिए और वहां से परफेक्ट तैयारी कीजिए, विश्वास कीजिए कि ज्यादा जरूरी है स्टडी मटेरियल, जिसे जनरल टेस्ट का हो, लैंग्वेज का हो, डोमेन सब्जेक्ट का हो, ये सब का, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस अब ये ज्यादा जरूरी है। हो सकता है आप किसी कोचिंग से जुड़े हैं, मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ऐसे बहुत स्टूडेंट होंगे। लेकिन बहुत सारा यूट्यूबर हैं, मान लीजिए हम ही हैं, हमारा ऑफिस से भी लगातार कॉल जाते रहता है सबको। तो आप लोग को ये ध्यान देना है कि ये आपके कोई सीनियर भैया होंगे जो जेएनयू में बीएचयू में पढ़ रहे होंगे लेकिन सीयूटी पहली बार आया है, तो सीयूटी के बारे में जो समझ है बहुत कम लोगों को है। तो वैसे लोगों को चुनिए जो सीयूटी के बारे में पूरा डिटेल से जानता हो, उनसे लगातार सलाह लेते रहिए, क्योंकि आप देखते हैं जब आपका बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर से सलाह लेते हैं, उसी प्रकार अभी आपको आवश्यकता है जो सीयूटी एक्सपर्ट है उससे आप सलाह लीजिए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। जिसे आप बहुत सारे बच्चे अपने कोर्स में जुड़े हुए तो लोग सीधे हमसे बात कीजिए, ऑफिस में कॉल लगाइए, आपने पैसे दिया है, बात करना आपका अधिकार है। हाँ ये हो सकता है हम बिजी रहेंगे, अगले दिन बात करेंगे, मेरा भी कर्तव्य आपसे बात करना, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन, बहुत सारा स्टूडेंट है लगातार कहते रहता है एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा है मेरा जो दिल की जो आवाज़ है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको लेके जो है ये सब अफवाह है, मैं इसको नहीं मानता। ये ज़्यादा जरूरी होना चाहिए कि एग्जाम पास आ रहा है तो तेजी से पहुँचना है एग्जाम के पास, यानी कि 4 घंटा 5
घंटा पढ़ाई कर रहे थे, अब 10 घंटा पढ़ेंगे ताकि एग्जाम हॉल के दिन ये अफसोस ना करे कि हमने पढ़ा नहीं। इसीलिए जरूरी है जितना भी समय बचा हुआ जी जान लगा दीजिए। सीयूटी आसान है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सीयूटी में सवाल के लेवल बहुत बेसिक आते हैं, बस आपको एकदम अपने आप पे विश्वास रखना है पूरी तरीके से कि आप कर सकते, यू कैन डू इट, और आसान है। आई विल क्रैक सीयूटी 2023, कोई बड़ी बात नहीं। मैं जितना भी टॉपिक को समझा रहा हूँ बेहद बारीकी से समझिएगा। अगला है सीयूटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप जानते ही है हम प्रचार तो करेंगे ही अपने कोर्स के बारे में, क्योंकि हम लोग राइट डिसीजन में वर्क करते हैं, सही वर्क करते हैं, ईमानदारी से वर्क करते हैं, क्योंकि आप लोग रिजल्ट भी देख रहे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिलेगा, लेकिन सीयूटी कॉन्सेप्ट उन लोगों से बहुत अलग है। बहुत हम लोग बहुत बेहतरीन दिशा में काम करते हैं, सभी जितने भी टीम मेंटर हैं 3 वर्षों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की तैयारी करवा रहे हैं, तो हमारे साथ भी बने रहिए, यूट्यूब के माध्यम से हो या फिर पेड कोर्स के माध्यम से हो, किसी भी प्रकार से प्रॉपर गाइडेंस हम देते रहेंगे, जैसे इस वीडियो के माध्यम से आपको हम समझा रहे बता रहे हैं। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, सब पॉइंट को आप लोग समझ लिए होंगे कैसे आप कर सकते हैं। ये 60 दिनों का एक कोर्स है श्योर सिलेक्शन बेस, जिसको कि पूरे टीम ने डिजाइन किया है सीयूटी कॉन्सेप्ट की ओर से, और हम लोग बीए, बीएलएलबी, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए। और हमारा ऐप सीयूटी कॉन्सेप्ट को डाउनलोड कर लीजिए, 13 मार्च से ये बेस शुरू होने वाला है, और ये 60 दिनों का कोर्स है जिसमें टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगा, पूरी तैयारी होगी। 2000 फीस है, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए गांव मोहल्ले में, ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग, हमारा सब मानना है और मेरा भी ये सपना है कि उन बच्चों को भी सीयूटी करवाना है जिनको सीयूटी के बारे में सी भी नहीं पता, सीयूटी का सी भी नहीं पता। और ये मैं पिछले 2-3 वर्षों से करवा रहा हूँ, गाँव के बच्चे को यूनिवर्सिटी तक पहुँचाया। अगला नंबर आप सबका है, कोर्स में जुड़िए, तैयारी कीजिए, बेहतरीन तैयारी, हमारा ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोर्स को ऐप पर जाके परचेस कीजिए। तो आपको ये वीडियो में बहुत सारा चीज फैक्ट समझ में आया होगा, किन किन बिंदु पे कैसे हम लोग को वर्क करना, बेस्ट बुक को पढ़िए, मैं इस पे लगातार वीडियो देते रहता हूँ यूट्यूब। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद।